इनमें से कौन सा रिस्पांसिबल होता है ठीक है ये हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंसरस सेल्स होते क्या हैं तो कैंसर क्या होता है जब हमारे नॉर्मल सेल्स क्या करें कन्वर्ट हो जाए और शो करें अन कंट्रोल्ड डिवीजन डिजन या फिर ग्रोथ अनकंट्रोल एंडल तो जनरली क्या होता है कि हमारे सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं तो ये प्रॉपर्टी शो करते जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये एक दूसरे को एन अनरेगुलेटेड वे में ग्रो करने से रोकते हैं बट जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिविजन शो करते हैं मतलब कि वो ग्रो करते रहते हैं ठीक है तो उनको कैंसरस इन सेल्स को कैंसरस सेल्स बोलते हैं तो ये में चार ऑप्शन दे रखे हैं कि नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है सो ऑप्शन वन इज प्लास्मिड प्लास्मिड क्या होता है प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो, तो होता है सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तो प्लास्मिड नहीं रिस्पांसिबल होता वायरसेस तो वायरसेस में वायरसेस क्या होता है कि वो लिविंग बॉडी के बाहर इनर्ट है ठीक है और जब ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं तो उसकी मशीनरी यूज करके ये मल्टीप्लाई करते हैं तो वायरस में एक कैटेगरी होती है रेट्रोवास रेट्रोवाइरस ऐसे वायरसेस होते हैं जिसके पास आरएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल ठीक है आर आरएनए को जब बॉडी में एंटर करेंगे तो आरएनए कन्वर्ट होकर डीएनए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टज उसको हम सीधे को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो रहा है उसको रिवर्स हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब आर एन में कन्वर्ट होता है दिस प्रोसेस एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो जो रेट्रोवायरस हैं इनमें प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करने की जब ये होस्ट में एंटर करते हैं तो ये होस्ट के जीन को एक्टिवेट कर देते हैं ऑनकोजीन में ठीक है हमारे बॉडी में सी ऑनकोजीन होता है सी ऑनकोजीन मतलब कि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है जीन की ऑनको मतलब ऑनको इज वर्ड रिलेटेड टू कैंसर ठीक है तो सी ऑनकोजीन होता है जो इनएक्टिवेट है जिसको प्रोटो ऑनकोजीन बोलते हैं ये वी ऑनकोजीन आर एन ए आर एन ए वायरसिस के पास होता है वी ऑनकोजीन वायरल ऑनकोजीन क्या करते हैं इसको एक्टिवेट कर देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिवेटेड ऑनकोजीन में और ये ऑनकोजीन क्या करते हैं हमारे सेल्स की डिवीजन करते हैं अनकंट्रोल वे में यानी कि उसको कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो रेट्रोवाइरसिस आंसर कि रेट्रोवाइरस ट्रांसफर कर देते हैं नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में ऑप्शन फोर इज बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरिया के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती सो आई होप दिस क्लियर योर डाउट थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर